हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा वीडियो है 52 वीडियो सीरीज एक्सेल कोर्स का। पहले दो वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बेसिक्स ऑफ एक्सेल, जिसमें हमने फॉर्मूले लिखना सीखा था। दूसरे वीडियो में हमने बात की टेबल का कलर एंड फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और आज हम बात करने वाले अपने वीडियो नंबर 3 में कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है और अलग अलग टाइप की कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज कर दूं आपको, तो आज हम तीन टाइप की कंडीशन फॉर्मेटिंग की बात करने वाले हैं। पहला है बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू, या आप बेस्ड ऑन सेल वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि सेल का कौन सा कलर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाल कलर कर रखा है जिन सेल्स का वैल्यू ज्यादा है, और ग्रीन कलर कर रखा है जिनका सेल्स वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है। दूसरी टाइप की सेल फॉर्मेटिंग होती है बार फॉर्मेटिंग। इसमें जितना बड़ा सेल वैल्यू होता है उतना ज्यादा वो सेल कलर से फिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 8000 वैल्यू है तो सेल ऑलमोस्ट रेड है, और ये सेल की वैल्यू सिर्फ 2000 है तो ऑलमोस्ट व्हाइट है ये सेल। तो आपको एकदम विजुलाइज कर पाते हो आपको कौन सा सेल का वैल्यू कितना बड़ा है। तीसरे टाइप का फॉर्मेटिंग होता है आइकन सेट फॉर्मेटिंग, जिसमें आपको पता चलता है आइकन कलर्स देख के कि भाई उस सेल का वैल्यू कितना बड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 रेड आइकन है, सेल वैल्यू काफी बड़े हैं, ग्रीन आइकन सेल वैल्यू काफी छोटे हैं, और येल्लो आइकन सेल वैल्यू एवरेज वैल्यू है। तो इस टाइप से हम तीन टाइप की फॉर्मेटिंग सीखेंगे, सेल्स को कैसे फिल करते हैं, सेल के अंदर कलर्स के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो सेल वैल्यू कितना बड़ा है, और आइकन के थ्रू कैसे पता करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। तो पहले हम टेबल की बात करेंगे फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन एवरेज। तो आप ये वाली सेल देखेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में दिखा था कि एक्सपेंस मैनेजमेंट की टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये एक्सपेंस मैनेजमेंट का टेबल फॉर्मेट, अगर आप ये जानना चाहते हैं प्लीज फॉर्मेटिंग वाला वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 2, और आपको पता चल जाएगा एक्सपेंस मैनेजमेंट का टेबल कैसे बनाते हैं। हम उसी टेबल के ऊपर अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं। तो इस टेबल में आप देखेंगे इसमें हमने 2 कलर्स यूज किए हैं, पिंक और ग्रीन। पिंक जो वैल्यू एवरेज से ऊपर है उनको पिंक किया गया है, जो वैल्यू एवरेज से नीचे है उनको ग्रीन किया गया है, और नीचे टोटल दिया हुआ है। तो इस पार्ट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग 2 तरीके से लगाएंगे, 2 पार्ट में। पहला, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है हमारे मंथ ऑन मंथ, उसमें पार्ट को सिलेक्ट किया, टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट वैल्यू ओनली वैल्यू डेटा अबव और बिलो एवरेज, इस चीज को सिलेक्ट किया आपने, अबव एवरेज सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और आपने पिंक सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, और यहां से फिर से ओके कर दिया। तो आप देखेंगे जो वैल्यू एवरेज से ऊपर थी वो सारी पिंक हो गई है। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल लगाएंगे, सेम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एवरेज वाला, यहां पर एबव की जगह बिलो सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और इस बार ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन मतलब कम एक्सपेंस हुआ है, पिंक मतलब ज्यादा एक्सपेंस हुआ है, और ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स टेबल बिल्कुल सेम हो गया है, जो रेड आपके ज्यादा एक्सपेंसिव वो रेड में पिंक में कलर में दिख रहे हैं, और जो एक्सपेंसिव आपके कम है वो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। अब हम टोटल पे सेम कलर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। मैंने टोटल वाली चीज को सिलेक्ट किया, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, एवरेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अबव एवरेज कलर आपको पता ही है कि हमको पिंक सिलेक्ट करना है, ओके किया, फिर से ओके किया, आपकी वैल्यूज पिंक हो गई है। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल गए, आपने एवरेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहां पर आपने ब्लू सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, ओके ओके। आप देखेंगे फ्रेंड्स ये टेबल बिल्कुल वैसा ही टेबल बन गया जैसा टेबल हम लोगों को बनाना था। हमने इस टेबल में सीख लिया है बेस्ड ऑन एवरेज अगर हमको कलर फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करते हैं, कितना ही आसान है फ्रेंड्स। अब अगला हम सीखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमको टेबल को फॉर्मेट करना है, नॉट ऑन बेस्ड ऑन एवरेज, तो वो कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर वाली टेबल में मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कर रखी है, जो वैल्यू 8000 से ऊपर है मैं उनको रेड करना चाहता हूँ, और जो वैल्यू 4000 से नीचे है मैं उनको ग्रीन करना चाहता हूँ। तो हमने टेबल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स में गए, हमने सिलेक्ट किया फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन सेल वैल्यू, इसमें आया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में हमको चाहिए 8000, तो 8000 डाला यहां पर, फॉर्मेट में क्लिक किया,
और आपने रेड सिलेक्ट किया, ओके किया और फिर से ओके किया, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो सेल्स 8000 से ऊपर हैं उनकी वैल्यू वो सारी रेड हो गई है और हमको ग्रीन करना है 4000 से नीचे वाली सेल्स को। न्यू रूल में गए, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स सेल वैल्यू लेस देन, इसमें लिखा 4000। फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में आपने ग्रीन सिलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, आपकी वो सारी सेल वैल्यूज ग्रीन हो गई जो 4000 से नीचे हैं। हमको टोटल में फिर से फिल्टर लगाना पड़ेगा। टोटल में आप देखोगे न्यू रूल किया, अब हमको टोटल पे अलग टाइप का फिल्टर लगाना पड़ेगा, वैल्यू 8000 और 4000 नहीं रहेगा, ग्रेटर देन, और जो वैल्यू 45000 से ऊपर उनको हम ग्रेट करते हैं। 45000 फॉर्मेट, यहां पर हमने रेड सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, फिर से ओके किया, आप देखेंगे सेल वैल्यू रेड हो गई। फिर से सिलेक्ट किया उसी रेंज को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल किया, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स सेल वैल्यू, हम यहां पर अभी सिलेक्ट करेंगे लेस देन, और यहां पर जो सेल वैल्यू 35000 से नीचे हैं उनको हम ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन किया, ओके किया और फिर से ओके किया, आप देखेंगे वो ग्रीन हो गए। तो एग्जैक्टली ये टेबल ऊपर जैसे टेबल की बन गई है जैसे हम बनाना चाहते थे। फ्रेंड्स अभी तक हम दो चीजें सीख चुके हैं कि एवरेज के बेसिस पर हम सेल्स को कैसे कलर कर सकते हैं, दूसरा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर या पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे कैसे कलर करते हैं, आते हैं तीसरे टाइप के फॉर्मेटिंग सीखने के लिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है, अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं हमारे टॉप 10 एक्सपेंसेस कौन से हैं, सिंपल से एनालिसिस है, अपनी सारी सेल्स रेंज को सिलेक्ट करिए, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, टॉप बॉटम रूल वाली इस चीज को सिलेक्ट करिए ऑप्शन को, और इसे लिखिए टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है टॉप 10 आइटम्स, यहाँ पर यहाँ से आप नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, हम इस चीज से ओके हैं, ओके किया, और आप देखेंगे जो टॉप 10 वैल्यूज थे, टॉप 10 एक्सपेंसेस थे, वो सारे रेड कलर के हो गए हैं और सेम टेबल में मैच कर गई है। फ्रेंड देखिए अब कितना आसान है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम सीखते हैं फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन डेटा पास। अगर हम सेल को कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से लोग हमसे इंप्रेस हो जाएं, तो वो एक तरीका होता है डेटा पास का। सेल में जितना ज्यादा कलर भरा होगा उतना ज्यादा उस सेल का वैल्यू होगा, सेल में जितना ज्यादा कम कलर फिला होगा उस सेल का वैल्यू उतना ही कम है। तो आइए फिर से पूरा सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बार्स में आए और मोर रूल्स में गए। मोर रूल्स में हमको कलर सिलेक्ट करना है, तो हमने कलर रेड सिलेक्ट किया और ओके किया, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो इसका वैल्यू है 8664, ये ऑलमोस्ट सेल पूरा फिल है रेड कलर से, ये सेल वैल्यू बड़ा है। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा देखेंगे 1442 सेल वैल्यू, इसका सेल ऑलमोस्ट व्हाइट है, कलर फिल नहीं हुआ है क्योंकि सेल का वैल्यू बहुत छोटा है कंपेयर टू 8664। तो आपको विजुअली पता चलता है कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। फ्रेंड्स आते हैं अगली फॉर्मेटिंग पे, फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन कंटिन्यूस कलर स्केल। अभी तक हमने ऊपर जो फॉर्मेटिंग की थी उसमें व्हाइट कलर काफी ज्यादा आ रहा था, अब हम करेंगे कंटिन्यूस स्केल, देखना है कि कौन सी सेल वैल्यू बड़ी और कौन सी सेल वैल्यू छोटी है। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत क्लियर पता चलता है ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है इसलिए कलर ज्यादा रह रहा है। इधर आप देखोगे 1442 वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए कलर ग्रीन है, और बीच वाली वैल्यू उसके अकॉर्डिंग शेड्स को मिल गए हैं। तो आइए फिर से हमने हमारा रेंज सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कलर स्केल में गए और आप मोर रूल्स में जाइए, हम अपने हिसाब से कलर करेंगे। लोएस्ट वैल्यू को हम करेंगे ग्रीन कलर और हाईएस्ट वैल्यू को हमको चाहिए रेड कलर, और हम ओके कर देंगे। तो आपको पता चल रहा है लोएस्ट वैल्यू जो होगी उसका ग्रीन कलर होगा, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसका रेड कलर होगा, आप ओके कर दीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा।
फ्रेंड्स आप देखिए नीचे वाला टेबल ऊपर वाले टेबल की तरह बन गया है और आपको कलर के बेसिस से पता चल रहा है कौन सा कलर नंबर कितना बड़ा और कितना छोटा है। काफी इफेक्टिव तरीका है अपने नंबर्स को अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स अगला तरीका है आपने नंबर्स को छोटा बड़ा कैसे दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन आइकन सेट। अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर हमने अलग अलग आइकन्स यूज किए हुए हैं, आइकन का कलर बताता है वो नंबर कितना बड़ा और कितना छोटा है। तो जो रेड कलर के आइकन्स हैं वो बताते हैं वो नंबर्स बड़े हैं बड़े एक्सपेंसेस हैं, जो ग्रीन कलर के आइकन्स हैं वो बताते हैं वो एक्सपेंसेस छोटे हैं, और जो येलो कलर के आइकन्स हैं वो एवरेज वैल्यू को दर्शाते हैं। तो आइए हम सेम फॉर्मेटिंग पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपने रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, आइकन सेट्स में गए और हम लोगों ने ये वाले आइकन सिलेक्ट कर रखे हैं बॉल टाइप के ट्रैफिक लाइट। तो मोर रूल्स में गए, आप देखेंगे इधर जो वैल्यू बड़ा है उसके लिए हरा कलर किया गया है और जो वैल्यू छोटा है उसके लिए रेड कलर किया गया है। हमको रिवर्स चाहिए, रिवर्स किया और आप देखिए अगर आप देखेंगे जो वैल्यूज बड़ी है यहाँ पर उनको रेड कलर से दर्शाया जा रहा है, एवरेज वैल्यूज को येलो कलर से दर्शाया जा रहा है और जो छोटी वैल्यू कम एक्सपेंसेस है वो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। आई होप फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आज सीखी। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो हमने सेल्स को कलर करना सीखा है बेस्ड ऑन एवरेज एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। हमने सेल को फिल करना सीखा है बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब जितना बड़ा वैल्यू उतना ज्यादा सेल फिल होगा, पूरा सेल फिल नहीं होगा अगर आपका वैल्यू छोटा रहेगा। तीसरा हमने फॉर्मेटिंग सीखा है कि जितना बड़ा सेल वैल्यू होगा उसमें एक आइकन आएगा और आइकन का कलर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो तीन फॉर्मेटिंग हमने सीखी है। फ्रेंड्स ये तरीका आपने यूज करिए अपनी प्रेजेंटेशन में, ऑफिस में, असाइनमेंट्स में अगर आप कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स हैं, और जब आप एक कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करेंगे अपने एक्सेल प्रेजेंटेशन में लोग आपसे इंप्रेसिव हो बगैर नहीं रह सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही पावरफुल टूल है, प्लीज इसको यूज कीजिए और आपको उसमें अगर कुछ समझना है प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि आप क्या समझना चाहते हैं, कौन सा पार्ट्स आप अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, आप इसका यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्प्रेड करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फ्रेंड्स।